रहर के बीजों की रोपाई से पहले इन उपचारित बीजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार अरहर की फसल जबरदस्त होने वाली है और ये बीज रोपाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। रहर के बीजों को खेतों में लगाने से पहले खाद प्रबंधन जरूर करना चाहिए। ये गोइठा रखे हैं, ये गोइठा साधारण गोइठा नहीं है, ये तो घनजीवामृत गोइठा है। मैं एक तुम्हें वीडियो भी दिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया जाता है। अभी बस इतना समझ लो कि ये घरेलू सामग्री से मिलाकर बनाया जाता है। रहर के बीजों को खेत में लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, आइए देखते हैं। चलो पहले बीज लगाने के लिए एक एक मीटर की दूरी पर एक एक फोड़ा गड्ढा बनाते हैं। ये गड्ढे में ही बीज लगाना है ना दीदी? हाँ दीदी, बीज लगाने से पहले हर गड्ढे में एक एक गोइठा चूर चूर करके डालेंगे। साथ ही साथ ट्राइकोडर्मा मिला हुआ गोबर की खाद हर गड्ढे में 200 ग्राम डालें। इसके बाद ही हम बीज लगाएंगे। 200 ग्राम लगभग क्या एक अंजूरी हो गई ना दीदी? हाँ हाँ, एक अंजूरी ही। एक बात और दीदी, बीज लगाने वाले जगह के बगल में एक एक फोड़ा गड्ढा खोदना है। इसलिए दीदी बरसात के समय में उस गड्ढे में पानी जमा रहे और उस पौधे को अधिक दिन तक नमी मिलती रहे। चलिए दीदी अब हम इसमें बीज लगा देते हैं। दीदी हर गड्ढे में दो दो बीज ही डालनी है ना? हाँ दीदी, दो बीज ही रोपना है। दूसरा तरीका ये है कि जो पौधे आपने नर्सरी में तैयार किए हैं उसको मेड़ के ऊपर एक एक मीटर दूरी के ऊपर एक एक फोड़ा गड्ढा कर उसमें लगा दें। ध्यान रहे कि प्लास्टिक उस पौधे से जरूर निकाल दें और लगाने के बाद उसमें चारों तरफ हल्की मिट्टी डाल के हल्के हाथों से दबा दें। दो मेड़ के बीच में खाली जगह है, वो क्या खाली रहेगा क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल खाली नहीं रखना है। इसमें आप मकई, बादाम या उड़द लगा सकते हैं। सघनीकरण विधि से रहर की खेती में अंतः फसल यानी बीच की फसल लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि रहर के दो लाइनों के बीच में एक मीटर की दूरी रखी गई है और शुरू के 3 महीनों में रहर के पौधे बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, इसीलिए बीच में एक और फसल उगाकर अतिरिक्त आमदनी ली जा सकती है और साथ ही इससे खरपतवार भी नियंत्रित होते हैं। मक्का, उड़द, बोदी, मूंगफली, घाघरा, कुल्थी आदि ऐसी फसलें हैं जो रहर के साथ अंतः फसल के लिए उपयुक्त होती हैं। झारखंड के कुछ हिस्सों में रहर को मड़ुआ के साथ भी लगाने का प्रचलन है। किसान अपनी रुचि, अनुभव और जरूरत के हिसाब से इनमें से कोई भी फसल अंतः फसल के लिए चुन सकता है। अंतः फसल लगाने से किसान को न सिर्फ अतिरिक्त आमदनी होगी बल्कि खेत में खरपतवार भी नियंत्रित होंगे और खेत में लंबे समय तक नमी सुरक्षित रहेगी, जिससे कि रहर के पौधों को भी फायदा होगा। अंतः फसल के चयन से लेकर उसकी खेती तक हमें कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि अरहर के दो मेड़ों के बीच अंतः फसल इस तरह से लगाएं कि अंतः फसल के लाइन और रहर के लाइन के बीच में कम से कम 10 से 12 इंच की दूरी हो। इन फसलों को रहर की बुआई या रोपण के साथ ही लगा देना चाहिए। ज्यादा देर या ज्यादा पहले लगाने से बचना चाहिए। किसी भी अंतः फसल को लाइन से ही लगाना चाहिए। अंतः फसल को लगाने से पहले उनके बीजों का बीजामृत से उपचार करना बहुत जरूरी है। अंतः फसल में भी जैविक खाद का ही प्रयोग करें। रोग और कीट नियंत्रण के लिए जैविक दवाओं का ही प्रयोग करें। जरूरत के हिसाब से 1 से 2 बार उसकी निराई गुड़ाई करना अति आवश्यक है।